दोस्तों रेशनल पर्सन और क्रिएटिव पर्सन ये दो मैनेजमेंट की किताब से देखे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके लिए एक तो मिल गया, वही लिखा हुआ था। मैंने सोचा कि और इसके अल्टरनेट मीन्स साइनोनिम्स लिए जाए, तो अपनी अपनी चॉइस से हर एस्पायरेंट वो टर्म सिलेक्ट कर लेगा या कर सकता है जो कि इसकी चॉइस का है, और जो चॉइस का है वो आपकी पर्सनैलिटी में बेस्ट है। बिकॉज एवरी पर्सन इज फाउंड टू चूज द वोकैबुलरी एज पर हिज और हर ओन पर्सनैलिटी। द टाइप ऑफ पर्सनैलिटी सेलेक्ट्स द टाइप ऑफ वोकैबुलरी। टर्म्स में भी शॉर्ट, टर्म्स में भी समवॉट लॉन्गर, डजंट मैटर, जिसको जो ठीक लगता है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जानबूझकर कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लेते हैं, उनका प्रोनंसिएशन कैसे किया जाए ये देखते हैं, और उसका प्रोनंसिएशन करते वक्त उनका फेशियल एक्सप्रेशन प्लस लिप मूवमेंट क्या होता है इस पर गौर करते हैं। एक्चुअली साउंड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोनंसिएशन ऑफ अ वर्ड मैटर्स 20% एंड रेस्ट 80% डिपेंड्स अपॉन द सक्सेस ऑफ रेस्ट 80% डिपेंड्स अपॉन द लिप मूवमेंट। एक्सप्रेशन लिप से भी आता है कभी कभी, ये ताजुब वाली बात लगती है, लेकिन ऐसा होता है। एनीवे दो बहुत अच्छे सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आया, हमेशा की तरह आज तो बिगनिंग में ही कह देता हूँ कि इफ यू लाइक इट फर्स्ट और सेकेंड और बोथ यू कैन कीप इट इन द मेंटल लाइब्रेरी, बट यू हैव प्रेशियस लाइब्रेरी एंड देन यूज इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एंड दिस ब्रिंग्स अबाउट द मिरेकुलस क्वालिटी ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन। So the very first one sounds somewhat like this: rational person proceeds with his cogitation and conception. Actually नीचे वाले दिए हुए थे concern and conception, एक नीचे वाला था एक ऊपर वाला था। Now I all of a sudden got an idea to search for respective synonyms and I searched it. Here I found two only. So, जो भी आपको ठीक लगता है उस टर्म का आप यूज कर सकते हैं। दोनों ही बहुत स्टाइलिश है, ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश है इसलिए मैंने लिखा है। अब आप देख लें, हो सकता है कि आपको बाद वाले में एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, उनमें किसी को पहला लगे किसी को दूसरा लगे, मुझे दोनों ही बहुत अपीलिंग लगे। सो The first sentence sounds somewhat like this: rational person proceeds with this cogitation and conception and not with his aspiration and feelings. Actually aspiration ke saath laga hai hope, ye ho ya ye ho, aur feelings ke saath do cheeze lagi, feelings and emotions synonymous hain, aur teesra ye hai susceptibility, very stylish. So let me speak up as per my opinion. Let me speak up this sentence along with the most stylish adjectives that sound somewhat like this: rational person proceeds with his cogitation and conception and not with his aspiration and susceptibility. एस्पायरेशन एंड ससेप्टिबिलिटी। होप के साथ अगर आप फीलिंग्स या इमोशंस दे देते हैं नॉर्मल सेंटेंस होगा, ओके नॉर्मल भी चलेगा। दोस्त हु
आर ऑलवेज कंसर्न टू कीप देमसेल्फ एट ईज, नो प्रॉब्लम है सच, सिंपल बोलो कोई दिक्कत नहीं है, स्टाइलिश बोलना है, ये स्टाइलिश एक्चुअली सच काइंड ऑफ स्टाइलिश वर्ड्स यूज्ड ड्यूरिंग योर कम्युनिकेशन विल बी सर्टेनली मोस्ट हेल्पफुल एंड मोस्ट सक्सेस लीडिंग स्पेशली इन केस ऑफ यूपीएससी इंटरव्यूज, इंटरव्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, द इंटरव्यूअर्स सडनली मार्क देम क्या क्या बोलता है, तो ऊपर वाले को भी थोड़ा सा स्टाइलिश कर दें, कॉजिटेशन तो ठीक है, उसके जगह आगे वाले की जगह अप्रहेंशन ले लेते हैं, सो द मोस्ट अपीलिंग सेंटेंस एज पर द ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यूअर्स, एक्सट्रीमली क्वालिफाइड इंटरव्यूअर्स ड्यूरिंग यूपीएससी इंटरव्यूज, सिविल सर्विस इंटरव्यूज, दैट साउंड्स अबाउट लाइक दिस, रेशनल पर्सन सक्सीड्स विद हिज, सक्सीड्स आएगा यहाँ पर, रेशनल पर्सन सक्सीड्स विद हिज कॉजिटेशन एंड अप्रहेंशन एंड नॉट विद हिज एस्पायरेशन एंड ससेप्टेबिलिटी, लेट मी रिपीट इट, मोस्ट अपीलिंग जो कि मुझे लगा, रेशनल पर्सन सक्सीड्स विद हिज कॉजिटेशन एंड अप्रहेंशन एंड नॉट विद हिज एस्पायरेशन एंड ससेप्टेबिलिटी, फीलिंग और इमोशन इनसे साइनोनिमस, ये भी है ससेप्टेबिलिटी, ससेप्शन यहां से आता है, सस्पेक्शन नहीं ससेप्शन, परसेप्शन सेल्फ किया, उसमें फीलिंग्स का इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्स हुआ, लेकिन वर्ड चूंकि स्टाइलिश था इसलिए फीलिंग्स और इमोशंस का जो नॉर्मल बिहेवियर है दैट वॉज स्वैप्ड विद ससेप्टेबिलिटी, अ स्टाइलिश काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, सो रेशनल पर्सन सक्सीड्स, रेशनल पर्सन सक्सीड्स विद हिज कॉजिटेशन एंड अप्रहेंशन एंड नॉट विद हिज एस्पायरेशन एंड ससेप्टेबिलिटी, ये दोनों एडजेक्टिव जो है एस्पायरेशन और ससेप्टेबिलिटी, ये अगर आदमी इफ अ पर्सन इज एस्पायरेशन एंड एस्पायरेशन एंड ससेप्टेबिलिटी ओरिएंटेड मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद इट इज कंसिडर्ड, इफ द पर्सन इज, लेट मी रिपीट माई वर्ड्स अगेन, इफ अ पर्सन इज much affected or much influenced by his aspiration and susceptibility, it's considered that something must be wrong with this man, kuch na kuch gadbadi karega hi, lekin agar wo rational person hai and if the rational person is on the way to succeed with his cogitation and apprehension, that's all right. Is a person with a difference. See the difference in words. See the difference brought about into the personality of someone along with the difference of words. Personality different हो जाती है. आदमी अलग ही दिखाई देता है. This is one of the sentences which is many a times found important, if at all you keep it in your mental library, top notch library. Now come to the second one, that's a creative person. Creative person, भाई कहते हैं बड़ी creative personality है, किसी ने कोई छोटा मोटा काम भी जरा हटके किया, मतलब थोड़ा सलीके से किया, उस काम में cleanliness ज्यादा है, काम में तो क्लीनलीनेस है ही, जो चीज वो बना रहा है उसमें तो सफाई है ही, लेकिन जो वेस्ट निकल रहा है उसको भी बड़े करीने से एक तरफ लगाता जा रहा है, फैला नहीं रहा, तो
इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रिएटिव पर्सन है राइट फ्रॉम द स्टार्ट, नो प्रॉब्लम है सच। थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए आज, 12-13 मिनट का भी हो जाए वीडियो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कहूँगा तो वही कहूँगा जो कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा लेके आए कि लोग कहें वाह। सो क्रिएटिव पर्सन इज इंस्पायर्ड बाय हिज डिजायर टू अचीव, कुछ पाने की इच्छा रखता है वो ही क्रिएटिव पर्सन होता है। उसका इंस्पिरेशनल फोर्स क्या होता है? टू अचीव समथिंग बट बाय फेयर मींस एंड नॉट बाय द डिजायर टू डिग्रेड अदर्स। डिग्रेड लिया है एक्चुअली, ये इन सब वर्ड्स का मतलब ये है कि गिराना, लेकिन गिराने के लिए सीधा सीधा वर्ड है कोलैप्स अदर्स, कोलैप्स कर दिया। तो सो कॉल्ड जो 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 निर्जीव वस्तुएं हैं लाइफलेस कहलाती हैं, हालांकि वो भी लाइफलेस नहीं है। फॉर एग्जांपल डस्टर है, लाइफलेस नहीं है। चौक लाइफलेस नहीं है। कोई चीज गलत हो गई तो मिटाना है, थोड़ा सा फोर्स लगेगा इसमें। जब फोर्स लगेगा तो फोर्स इस पैड पर आएगा और पैड जो है उसको मिटाता चलेगा, चौक लिखती चलेगी। खुद निर्जीव है, निर्जीव कुछ नहीं है, लाइफलेस कुछ नहीं है, बेजान कुछ भी नहीं होता, सब में ही जान होती है। लेकिन कोलैप्स एडजेक्टिव, वो कोलैप्स वो हैपनिंग सो कॉल्ड निर्जीव वस्तुओं के साथ लगती है। इसलिए क्रिएटिव पर्सन इज इंस्पायर्ड बाय हिज डिजायर टू अचीव, कुछ पाने की इच्छा से इंस्पायर्ड होता है एंड नॉट बाय द डिजायर टू डिग्रेड अदर्स और अफ्रॉन्ट अदर्स और डिसऑनर अदर्स और डिग्रेड डिक्रेडिट अदर्स और डिसफेवर अदर्स और डिसग्रेस अदर्स और इंसल्ट अदर्स। तो ये डिसऑनर डिग्रेड डिसऑनर और इंसल्ट, ये कैटेगरी वाइज वर्ल्ड की कैटेगरी वाइज एक ही होते हैं। इनको छोड़ के अगर ऐसे लिए जाए एंड नॉट बाय द डिजायर टू डिसग्रेस अदर्स, बेस्ट वर्ड है एज पर माय ओपिनियन, जो मेरी चॉइस है, ये बेस्ट वर्ड है डिसग्रेस। ग्रेस मतलब होता है सम्मान, इज्जत, लेकिन वो इज्जत ग्रेस उसकी गंभीरता को लेके होती है, उसकी वजनदारी को लेके होती है, उसकी बातों की डेप्थ को लेके होती है। वजनदारी भी होती है, डेप्थ भी होती है उसमें, और एक एटीट्यूड भी होता है उसका। वाह क्या बात है, लोग ये कहते हैं उसको सुनकर। सो दिस सेंटेंस साउंड समवॉट लाइक दिस, क्रिएटिव पर्सन इज इंस्पायर्ड बाय हिज डिजायर टू अचीव एंड नॉट बाय द डिजायर टू डिसग्रेस अदर्स एंड नॉट बाय द डिजायर टू डिसग्रेस अदर्स। बाकी भी यूज कर सकते हैं, एंड नॉट बाय द डिजायर टू डिग्रेड अदर्स, एंड नॉट बाय द डिजायर टू अफ्रॉन्ट अदर्स, डिसऑनर अदर्स, डिक्रेडिट अदर्स, डिसफेवर अदर्स और इंसल्ट अदर्स। इन सबको यूज करके देखिएगा, बाद में आप भी कहेंगे कि नहीं यार डिसग्रेस मीन्स समथिंग इज रियली डिफरेंट। हो तो डिफरेंट हो, बात हो तो लोग कहते हैं हिंदी में अरे यार बड़ी पते की बात कही है। पते की बात इसलिए कही है, गौर से देखें तो उसकी शब्दावली में, टर्मिनोलॉजी में, उसकी वोकैबुलरी में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट होगा, ऐसा कि जो दूसरा ला ही नहीं सकता। इसलिए इन सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान में रखने की कोशिश करें, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, एंड यू जस्ट फील फ्री टू यूज देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कहीं भी नहीं कह देना है, लेकिन जहां कहना है वहां जरूरत ही हो। बाय।